नमस्कार, दूरदर्शन किसान के कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सूरज निवरिया। कृषि दर्शन कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आपको खेती बाड़ी से संबंधित जानकारियां देते हैं और आज हम आपको बताएंगे मशरूम की खेती किस प्रकार से करें। मशरूम की मांग लगातार बाजार में बढ़ती जा रही है। कुछ लोगों के जहन में आता है कि मशरूम एक पौधा है जिसकी खेती खाद और भूसे से होती है, लेकिन मशरूम एक पौधा नहीं है। तो क्या है मशरूम, आइए जानकारी लेते हैं हमारे पहले सेगमेंट में। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और ये इसलिए है क्योंकि भारत में ही विभिन्न प्रकार की जलवायु है। साल भर हमारे देश में कई प्रकार की फसलों की खेती की जा सकती है। यही कारण है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमारे देश का ज्यादातर हिस्सा कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां अवांछित परिस्थितियों के कारण किसान कृषि करने को असमर्थ है। बॉर्डर के आसपास के इलाकों में कई बार खेती करना मुनासिब नहीं होता। ऐसे में हमारे किसानों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि वे आर्थिक तौर से कृषि पर ही निर्भर रहते हैं और ऐसे में खेती को छोड़कर किसानों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। इसलिए शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय जम्मू ने जम्मू कश्मीर राज्य में खुम्बों की विभिन्न प्रकार की किस्में लगाने का समाधान किसानों को दिया। जहाँ तक मशरूम की बात है, मशरूम एक फफूंद है। वैसे तो लोग सोचते हैं कि फफूंद ये वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, ये एक मिथ्या है। लेकिन जो मशरूम है वो पूर्णतः एक वेजिटेरियन डाइट है, तो इसमें जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो बिल्कुल भी इसमें घबराए नहीं कि ये नॉन वेजिटेरियन है, ऐसा कुछ नहीं है। मशरूम पूरी तरह से एक वेजिटेरियन डाइट है। तो मशरूम एक फफूंद है, जैसे कि हम जानते हैं कि बड़ी सारी फफूंदें जो होती हैं वो लाभदायक भी होती हैं और मशरूम एक लाभदायक फफूंद है। विभिन्न प्रकार की जलवायु के कारण जम्मू कश्मीर में मशरूम की खेती संभव है। शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय जम्मू खुम्ब उत्पादकों और किसानों को वर्ष भर खुम्बों की खेती करने के लिए तकनीकी सलाह एवं प्रेरणा का स्रोत रहा है। मशरूम की यदि हम किस्मों की बात करें, वैसे तो कुदरत में नेचर में हज़ारों किस्म की मशरूम पाई जाती हैं और इसका सेवन जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो करते आए हैं। परंतु अगर हम मशरूम उत्पादन की बात करें, वह मशरूम जिनका हम उत्पादन कर सकते हैं, तो 60-70 किस्म की अलग अलग मशरूम हैं जिनका हम उत्पादन कर सकते हैं। परंतु भारतवर्ष में 4 किस्म की मशरूम का उत्पादन किया जाता है। इसमें मुख्यतः 3 मशरूम, ये एक है आपकी बटन मशरूम जिसका सबसे ज़्यादा सेवन किया जाता है। अगर हम उत्पादन की बात करें तो 70-75% जो उत्पादन है मशरूम में वो बटन मशरूम का होता है। बटन मशरूम के बाद आपकी ढींगरी मशरूम। बटन मशरूम क्योंकि अगर किसी एक आम आदमी से बात करें तो अगर हम मशरूम की बात करते हैं तो उसके जो दिमाग में एक पिक्चर बन के आती है वो बटन मशरूम की ही आती है, क्योंकि बाज़ार में अगर आप मशरूम मांगते हैं तो बटन मशरूम ही आपको दी जाती है। तो ये सफ़ेद रंग की होती है। इसके अलावा कई बार इसकी कुछ ऐसी प्रजातियाँ भी हैं जो भूरे रंग की भी होती हैं, लेकिन उनका प्रचलन थोड़ा कम है। सफ़ेद रंग की जो बटन मशरूम है वही ज़्यादा आपको बाज़ार में उपलब्ध है। उसके अलावा जो ढींगरी मशरूम है, ढींगरी मशरूम एक पत्तानुमा मशरूम होती है। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जो पुराने जंगल जो काट के जहाँ पे जो पुराने शहतीर वगैरह रखे होते हैं तो उन पे कुछ तरह की मशरूम उगती हैं, वही वो ढींगरी मशरूम ही हैं। ढींगरी मशरूम में यह है कि ये किसी भी तरह का जो भी लिग्नोसेलुलोजिक वेस्ट, मतलब आपके जो पुरानी लकड़ी वगैरह है उस पे ही ये ज़्यादा उगती है। ये नेचर की बात है। तो अब लेकिन आपकी जो बटन मशरूम है वो जहाँ पे आपका पुराना सड़ा गला जो आपका खाद जहाँ पड़ी हो वहाँ पे बटन मशरूम उगती है। तो उसी तरह से अगर हम मशरूम उत्पादन की बात करें तो बटन मशरूम उगाने के लिए हमें वैसा ही खाद बनाने की ज़रूरत पड़ती है। खुम्बों की विभिन्न प्रजातियाँ इस प्रकार है। मशरूम उत्पादन पूर्णतः एक इंडोर एक्टिविटी है, मतलब इसको आप बाहर नहीं उगा सकते हैं, इसको कमरे के अंदर
कमरा, अगर मैं कमरा कहूँ तो ये ज़रूरी नहीं है कि वह एक पक्का ही कमरा हो, अगर एक कोई कच्चा शेड भी हो तो वहाँ पे भी इस मशरूम को उगाया जा सकता है। तो क्योंकि ये अंदर पूरे आपके कंट्रोल्ड कंडीशंस में रहता है, तो इसलिए अगर आपका कोई बारिश आ जाए या ज़्यादा ठंडा हो जाए या ज़्यादा गर्मी हो जाए तो उससे मशरूम उत्पादन पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मशरूम की किस्मों की बात करें तो सबसे ज़्यादा किस्म जो हमारे भारतवर्ष में खाई जाती है या जिसका उत्पादन किया जाता है वह बटन मशरूम है। बटन मशरूम अगर उत्तर भारत में बात करें तो बटन मशरूम का उत्पादन बहुत अधिक है। इसके बटन मशरूम के अलावा ढींगरी मशरूम एवं मिल्की मशरूम या दूधिया मशरूम, इसका भी उत्पादन एवं सेवन उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में किया जाता है। जहाँ तक इसके अलावा एक और मशरूम है, पुआल मशरूम जिसे कहा जाता है, पैडी स्ट्रॉ मशरूम, इसका उत्पादन जो उड़ीसा के तटीय इलाके हैं या वेस्ट बंगाल के तटीय इलाके हैं वहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है। बटन खूम का उत्पादन और मांग जम्मू में सर्वोपरि है। श्वेत बटन मशरूम के लिए शरद ऋतु उत्तम है। श्वेत बटन खुम्ब उत्पादन के लिए 80-85% नमी की आवश्यकता होती है और कवक जाल फैलाव के लिए 22-25 डिग्री सेल्सियस तापमान जरूरी होता है। बात करें फलन की तो उसके लिए 14-18 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। मशरूम उत्पादन, जैसे कि हम यहाँ जम्मू में, हम अपने आप को खुशकिस्मत मानते हैं कि हम सभी मौसम, चारों मौसम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ गर्मियाँ भी होती हैं, सर्दियाँ भी होती हैं, पतझड़ भी है और बसंत ऋतु भी है। तो इसलिए हम अलग अलग तरह की मशरूम यहाँ जम्मू क्षेत्र में हम इसका उत्पादन करते हैं। हम सर्दियों में यहाँ बटन मशरूम का उत्पादन करते हैं। सर्दियाँ जैसे ही ख़त्म होती हैं, मतलब आप समझ लीजिए फरवरी मार्च से लेके मई जून तक हम ढींगरी मशरूम का उत्पादन करते हैं। उसके बाद जून से लेके अगस्त सितंबर तक हम दूधिया मशरूम का उत्पादन करते हैं और सितंबर से फिर से हमारा बटन मशरूम का जो साइकिल है वो स्टार्ट हो जाता है। बटन मशरूम उत्पादन के लिए सबसे पहले आपको कंपोस्ट की आवश्यकता पड़ती है, कंपोस्ट इसके लिए बनाना पड़ता है। श्वेत बटन खुम को उगाने के लिए कृत्रिम ढंग से तैयार खाद यानी कंपोस्ट की आवश्यकता पड़ती है। कंपोस्ट को अल्पाविधि से तैयार किया जा सकता है। अल्पाविधि से खाद तैयार करने के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, अतः लघु स्तर पर खुम्ब उत्पादन के लिए दीर्घ विधि से खाद तैयार करना उपयुक्त रहता है। अभी आपने जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि मशरूम एक पौधा नहीं है, ना ही कोई वनस्पति है, मशरूम एक खुम्बी है। मशरूम की सफल खेती आप कैसे कर सकते हैं, जानकारी लेंगे एक ब्रेक के बाद। कार्यक्रम में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में, और आज हम बात कर रहे हैं मशरूम की खेती के बारे में। मशरूम की सफल खेती करने के लिए कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है, तो आइए किन बातों का और आप ध्यान रखें मशरूम की सफल खेती करने के लिए, आइए जानकारी लेते हैं। मिश्रण तैयार करना। सबसे पहले गेहूं के भूसे को साफ और पके फर्श पर कम से कम 48 घंटे के लिए भिगोया जाता है। भूसे को पूरी तरह से गीला करने के लिए प्रत्येक परत का निरंतर पलटाव आवश्यक है। जिप्सम को छोड़कर भूसे और सारी सामग्री को एक साथ अच्छे से मिलाकर उसका मिश्रण तैयार कर लिया जाता है। बटन मशरूम है, इसमें अगर आपका 1 क्विंटल आपका कंपोस्ट होगा तो उससे 17-18 किलो तक आपका जो बटन मशरूम का उत्पादन हो पाएगा। उसी तरह अगर हम मिल्की मशरूम की बात करें, जो दूधिया मशरूम है, दूधिया मशरूम में इसका जो उत्पादन का तरीका है वे एक तरह से मिक्सचर है आपका बटन मशरूम और ढींगरी मशरूम का। इसमें आपको कंपोस्ट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इस मिश्रण को गीला करने के लिए अच्छी तरह से पानी मिलाया जाता है। पहली पलटाई ढेर बनाने के 6 दिन दी जाती है। पलटाई देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ढेर के प्रत्येक हिस्से की उलट पलट अच्छे ढंग से की जाए, ताकि प्रत्येक भाग को उपयुक्त वायु और नमी प्राप्त हो।
नए ढेर का आकार और नाप पहले ढेर के समान ही होता है। बीज को 0.50 से 0.75 की दर से खाद में मिलाया जाता है, यानी 100 किलो खाद में 500 किलोग्राम बीज प्राप्त होते हैं। बीज मिलाने वाले फर्श को सबसे पहले 2% फार्मेलिन से धोए, साथ ही बीज मिलाने वाले व्यक्ति को अच्छी तरह हाथ साबुन से धो लेने चाहिए। बीजित खाद के लिफाफों को कमरे में रखें, जहां तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस और नमी 75 से 80% हो। बटन मशरूम है, ये सर्दियों के मौसम में उगाई जाती है, क्योंकि इसके जो फल हैं उसके बनने के लिए 16 से 18 डिग्री जो तापमान है उसकी आवश्यकता होती है, एवं जो इसका जाल का फैलाव है वे फैलाव के लिए 22 से 26 डिग्री इसके तापमान की आवश्यकता होती है। इसलिए इसके जाल फैलाव के लिए हम अक्टूबर से नवंबर तक का महीना सबसे अनुकूल मानते हैं, एवं इसके फल उत्पादन के लिए जो दिसंबर जनवरी का महीना है वे काफ़ी अच्छा माना जाता है। फरवरी तक ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो किसान भाई हैं, बिना अगर वो कोई एसी या कुछ भी नहीं करना चाहते, किसी और खर्चा नहीं करना चाहते, तो दिसंबर जनवरी फरवरी तक वो इसकी जो फसल है वो ले सकते हैं। नमी बनाए रखने के लिए कमरे की दीवारों और फर्श पर प्रतिदिन पानी का छिड़काव करें। 2 से 3 सप्ताह बाद खुम का कवक जाल पूरी तरह से फैल जाता है। बीज के फैलते समय पॉलीथीन के लिफाफों में पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। केसिंग लगाने के बाद ये कभी भी सूखी नहीं रहनी चाहिए। केसिंग में उतने ही पानी का छिड़काव करना चाहिए जितना वाष्पन के द्वारा उड़ा हो। किसान 1 या 2 बार पानी का छिड़काव जरूर करे। खुम्बों को पानी के छिड़काव से पहले तोड़ ले। ये तुड़ाई सुबह के समय करनी चाहिए। खुम की टोपी का आकार जब 4 से 5 सेंटीमीटर हो जाए तो इसे तोड़ लेना चाहिए। तोड़ने के लिए खुम्बों को अंगूठे और उसके साथ वाली दोनों उंगलियों से पकड़कर घुमाना चाहिए। बटन मशरूम का जब हम उत्पादन कर लेते हैं, उसके बाद जो लिफाफे होते हैं उनको हम वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए, यानी कि केंचुए की खाद बनाने में उनका प्रयोग करते हैं। हमारी ये सिफारिश है कि जब मशरूम उत्पादन हो जाए, उन लिफाफों को आप सीधे खेतों में मत डालिए, क्योंकि वे एक तरह की खाद है, लेकिन यदि हम उसका पहले हम वर्मी कंपोस्ट बना लें, केंचुए की खाद में अगर उसका प्रयोग कर लें, तो केंचुए की खाद बनाने के लिए बहुत ही अच्छा एक सब्सट्रेट है। मिट्टी लगे हुए डंठल के निचले भाग को तेज चाकू से काट ले। आज का जो समय है, इसमें घर के जितने सदस्य हैं, यदि सभी काम करें, तभी जो आपकी आमदनी है वो अच्छी हो पाएगी। वैसे तो हमारे किसान भाई काफ़ी सारी फसलों का उत्पादन करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मौसम की प्रतिकूलता के कारण कई बार फसल का काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो हमारा जो भारतीय कृषि है वो संपूर्णता जो मौसम है उसी पर आधारित है, परंतु आजकल किसानों को चाहिए कि वो कुछ ऐसे कार्य भी करें, जैसे आपका मुर्गी पालन हो गया है, या आपका मधुमक्खी पालन हो गया है, या मशरूम जो उत्पादन है वो करें, ताकि अगर भगवान ना करे उनको कहीं फसलों में नुकसान भी हो जाए, तो उसका जो मुआवजा है वो यहाँ से कम वो पूरा कर सकें और अपना जो उनका एक आय का अतिरिक्त जो स्रोत है वो बन पाए। खुम को निकालते और काटते समय ये ध्यान रखें कि खुम्बों को अधिक ना दबाए, क्योंकि दबाने से इनके मूल्यों में कमी आ जाती है। तो अभी आपने जानकारी ली कि मशरूम की सफल खेती आप कैसे कर सकते हैं और खेती बाड़ी के साथ साथ अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। कार्यक्रम में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको मिलवाएंगे एक सफल किसान से, जिन्होंने मशरूम की खेती करके अपनी आमदनी को बढ़ाया है। लेते हैं ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में।
कृषि दर्शन में आज हम आपको मिलवाएंगे एक सफल किसान विनोद कुमार जी से। विनोद कुमार जी पहले पारंपरिक तरीके से खेती बाड़ी करते थे, लेकिन अब उन्होंने मशरूम की खेती करना शुरू कर दिया है और वे उन्नत तरीके से मशरूम की खेती कर रहे हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं। विनोद कुमार जी ने 2010 में कृषि विज्ञान केंद्र से मशरूम की खेती की ट्रेनिंग ली और आज वे दूसरों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो क्या है विनोद कुमार जी की कहानी, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। हमारे देश में कृषि क्षेत्र का एक अलग ही स्वरूप है। यहाँ के किसान पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर करते हैं, फिर चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, किसान दिन रात एक कर जमीन से सोना उपजाते हैं। अपनी मेहनत के दम पर किसान अपनी आय अर्जित करते हैं। वैसे तो किसान को खेती करने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि मौसम की मार से लड़ना हो या फिर बेहतर उत्पादन लेना हो। लेकिन इन सभी मुसीबतों से बड़ी मुसीबत को भी किसान दरकिनार कर आगे बढ़ते हैं, जैसे कि उन इलाकों में सफलतापूर्वक खेती करना जहां पर खेती करना नामुमकिन है। जम्मू कश्मीर के कई इलाके ऐसे हैं जहां बॉर्डर के कारण किसानों को खेती किसानी करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जम्मू का आरसपुरा ऐसे ही इलाकों में से एक है, जहां हमारे किसानों को खेती करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। मैं हम बॉर्डर इलाके के पास ही रहते हैं, हमारे हमसे बॉर्डर करीब 2-2.5 किलोमीटर है, तो इधर ज़्यादातर फायरिंग ही होती रहती है। हम पहले खेती बाड़ी का काम करते थे, उसके साथ साथ हमने पशु भी घर पे रखे हैं, उसका भी सारा काम मैं ही करती हूँ, दूध निकालना और बच्चों का भी मैं ही करती हूँ। तो खेती बाड़ी में ज़्यादातर फायरिंग ही होती रहती है, इसलिए हमारा बाहर जाना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके साथ साथ हमने फिर ये मशरूम की खेती केवीके से ट्रेनिंग ली है और वो करते हैं। यहाँ किसान कई बार खेती नहीं कर पाते, जिसके चलते उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। किसानों की इस परेशानी को हल करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र जम्मू ने किसानों को मशरूम की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे कि इस इलाके के किसान साल भर मशरूम की खेती कर मुनाफा कमा सके। इन्हीं सफल किसानों में से एक है विनोद कुमार, जो कि साल भर मशरूम की खेती कर मुनाफा कमा रहे हैं। कुछ साल पहले तक परंपरागत कृषि करने वाले विनोद कुमार पारंपरिक खेती ही करते थे, लेकिन साल 2010 में कृषि विज्ञान केंद्र जम्मू से ट्रेनिंग लेने के बाद विनोद कुमार सफलतापूर्वक मशरूम का उत्पादन ले रहे हैं। पहले तो मैं 10 या 15 क्विंटल के जुनड लगाता था, तो फिर उसके बाद मैंने 2012-13 से मैं केवीके से के साथ जुड़ा और केवीके वालों ने मेरी हेल्प की और मैंने ट्रेनिंग ली कौशल विकास योजना के तहत। अब मैं 40 क्विंटल का यूनिट लगा रहा हूँ। विनोद कुमार पहले परंपरागत कृषि करते थे, लेकिन कृषि से उन्हें कुछ खास लाभ नहीं मिल पा रहा था। पहले हम तो धान की और गेहूं की खेती करते थे, तो मैं उससे इतना मुनाफा नहीं होता था। एक तो 6 महीने तक वेट करना पड़ता था, घर का गुजारा चलाना मुश्किल हो जाता था। तो महंगाई का ज़माना, फिर हमने सोचा कि क्यों ना कोई और काम साथ में किया जाए। तो हमारे दूर के कोई रिश्तेदार थे, वो मशरूम की खेती करते थे। पहले तो हमने 94 में मशरूम का काम किया 2-3 साल तक, लेकिन उसके बाद कोई परेशानी के कारण 10-12 साल का गैप आ गया। फिर मैंने लोडर का काम करना शुरू किया, 6-7 साल तक लोडर का काम किया जेट एयरवेज में। तो उसके बाद भी मैं लोडर का काम करने से मेरे को सिर्फ 8 से 10 हज़ार तक सैलरी मिलती थी, उससे गुजारा नहीं हो पाता था। फिर मैंने मशरूम का काम 2010 में दोबारा शुरू किया।
विनोद कुमार की धर्मपत्नी सुनीता देवी ने केवी के जम्मू से प्रसंस्करण की 6 महीने की ट्रेनिंग ली, जिससे कि वे अब मशरूम का अचार बनाकर बेचती हैं और कई ज्यादा मुनाफा कमाती हैं। मैंने पहले तो मैंने नहीं सीखा था, मेरे पति करते थे इसकी खेती, तो मैं इनके साथ ही थोड़ा बहुत हेल्प करवा देती थी। तो फिर बाद में मैंने भी कम से एक साल पहले ट्रेनिंग ली है, 6 महीने की ट्रेनिंग थी मेरी। हाँ, तो उसमें हमने इन्होंने यही सिखाया है कि मुझे को अचार बनाने की ट्रेनिंग दी है। मैं अचार भी बना लेती हूँ, अगर जब बाज़ार में इसका दाम सस्ता हो तो हम अचार बना लेते हैं, तो अचार बना के हम बाज़ार में बेच देते हैं। अचार बनाकर सुनीता देवी को 4 गुना मुनाफा होता है। वे बताती हैं कि पहले वे 15 क्विंटल मशरूम का उत्पादन करते थे, लेकिन अब ये 40 क्विंटल मशरूम का उत्पादन करते हैं। मैडम, अचार में हमें 4 गुना ज्यादा फायदा हो जाता है। जैसे कि मशरूम का पैकेट 25 रुपए का जा रहा है, तो अचार हमारा 100 रुपए का पैकेट बिकता है बाजार में, तो इससे हमें फ़ायदा हुआ, इसलिए हमने आगे और काम बढ़ाना शुरू कर दिया। पहले हम 15 क्विंटल लगाते थे, अब हमने 40 क्विंटल के लगभग लगाना शुरू कर दिया। सुनीता देवी उन महिलाओं के लिए मिसाल है जो घर की सीमाओं तक ही सीमित है। विनोद कुमार और सुनीता देवी दोनों ही एक साथ एकजुट होकर सफलता की सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। किसान भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ कि धान और गेहूँ की फसल से हटकर थोड़ा मशरूम की खेती में भी आना चाहिए। जैसे मशरूम की खेती है, ये हम खेत के बजाय अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। इसमें ये है कि कुदरती आपदा का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। निरंतर प्रयास और मेहनत के साथ ये दोनों पति पत्नी कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कृषि की अपार संभावनाओं को तलाश रहे हैं और बेहतर मुनाफा कमा रहे हैं। किसान भाइयों बहनों, आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में मशरूम की खेती के बारे में आज हमने आपको जानकारी दी। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। यदि आप अपने सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहें तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandk@gmail.com। आप अपने सवाल या सुझाव हमें पत्रों के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC, दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो आज के लिए बस इतना ही। इजाज़त चाहेंगे, फिर होगी मुलाकात अगले कार्यक्रम में नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।